हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आज हम लोग क्लास एट के मैथ्स का चैप्टर टू जो कि लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर सिक्स टू टेन बाकी बचे हुए सभी नंबर्स को करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स से टू शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स से देखिए क्वेश्चन एट एक्स प्लस फोर इज इक्वल्स टू थ्री ब्रैकेट स्टार्ट एक्स माइनस वन ब्रैकेट क्लोज प्लस सेवन देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है बॉड मास के हिसाब से हमें ये भी पता है और ब्रैकेट को सॉल्व करने का तरीका क्या है ब्रैकेट के बाहर जो भी है ब्रैकेट के अंदर के सभी के साथ वो इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा साइन जैसे को तैसा रहेगा तो थ्री एक बार एक्स के साथ मल्टीप्लाई माइनस को माइनस थ्री एक बार वन के साथ मल्टीप्लाई समझ में आया उसके बाद एट एक्स प्लस फोर इज इक्वल्स टू थ्री एक्स माइनस थ्री प्लस सेवन सॉल्व करने के बाद आ गया प्लस फोर अभी हमारा काम क्या है एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ बाकी सभी को दूसरी तरफ एट एक्स ऑलरेडी इस तरफ है प्लस थ्री एक्स दूसरी तरफ आया हो गया माइनस थ्री एक्स इक्ल्स टू फोर माइनस फोर तो फाइव एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो बाय फाइव इज इक्वल्स टू जीरो फोर माइनस फोर दैट इज ज़ीरो देखिए जब भी ब्रैकेट हो उससे पहले सॉल्व करना है बॉडमास के हिसाब से भी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन जो है उसी टाइप का है एक्स इक्ल्स टू फोर बाय फाइव एक्स प्लस टेन ब्रैकेट में तो हमें पता है फ़ोर बाय फाइव जो है ब्रैकेट के अंदर के दोनों के साथ एक एक बार मल्टीप्लाई होगा तो x इक्वल्स टू फोर इंटू एक्स एक्स के नीचे कुछ नहीं है उसका मतलब उसके नीचे वन है न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर फोर इंटू टेन फोर्टी बाय फाइव समझ में आया अभी देखिए x वाले टर्म को एक तरफ ले लेंगे x बा माइनस फोर एक्स बाय फाइव इक्वल्स टू फोर्टी बाय फाइव को हम लोग कैंसिल करके एट भी लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो अभी देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे फाइव फॉर वन का एलसीएम चला गया फाइव फाइव डिवाइडेड बाय वन फाइव फाइव इंटू एक्स फाइव एक्स माइनस को माइनस फाइव डिवाइडेड बाय फाइव वन वन इंटू फोर एक्स फोर एक्स इक्वल्स टू फाइव एट फोर्टी उसके बाद फाइव एक्स माइनस फोर एक्स कितना हो गया एक्स वन एक्स इज इक्वल्स टू फाइव यहाँ पे डिवाइड है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई एक्स इक्वल्स टू फोर्टी समझ में आया अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट को चलेंगे देखिए ब्रैकेट को पहले सॉल्व कीजिएगा उसके बाद एक्स वाले टर्म को एक तरफ बाकी सभी को दूसरी तरफ टू एक्स टू एक्स बाय थ्री प्लस वन इक्वल्स टू सेवन एक्स बाय फिफ्टीन प्लस थ्री समझ में आया एक्स वाले टर्म को एक तरफ बाकी वन और थ्री को एक तरफ तो टू एक्स बाय थ्री माइनस सेवन एक्स बाय फिफ्टीन प्लस सेवन एक्स बाई फिफ्टीन है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस सेवन एक्स बाय फिफ्टीन इक्वल्स टू थ्री ऑलरेडी है प्लस वन दूसरी तरफ गया हो गया माइनस वन उसके बाद थ्री और फिफ्टीन का एलसीएम लेंगे फिफ्टीन एलसीएम आ गया फ़िफ्टीन फिफ्टीन डिवाइड बाय थ्री फाइव फाइव इंटू टू एक्स टेन एक्स माइनस को माइनस फिफ्टीन डिवाइड बाय फाइव वन वन इंटू सेवन एक्स सेवन एक्स इक्वल्स टू थ्री माइनस टू इक्वल्स टू वन समझ में आया टेन एक्स से सेवन एक्स गया कितना बचा थ्री एक्स इक्वल्स टू फिफ्टीन इस तरफ डिवाइड है दूसरी तरफ जाके इक्वल टू के मल्टीप्लाई इक्वल्स टू टू इंटू फिफ्टीन दट इज थर्टी तो एक्स इक्वल्स टू थर्टी बाय थ्री इक्वल्स टू टेन आ गया हम लोगों का आंसर समझ में आया देखिए एक्स वाले टर्म को एक तरफ लाके नॉर्मल ही एलसीएम लेना है जैसे हम लोग एल्सियम लेते हैं समझ में आया अभी क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन है टू वाई प्लस फाइव बाई थ्री इज इक्वल्स टू ट्वेंटी सिक्स बाई थ्री माइनस वाई तो वाई वाले टर्म को एक तरफ टू वाई माइनस वाई इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा प्लस वाई इज इक्वल्स टू ट्वेंटी सिक्स बाई थ्री प्लस फाइव बाई थ्री दूसरी तरफ गया बन गया माइनस फाइव बाई थ्री अभी देखिए टू वाई प्लस वाई क्या हो गया थ्री वाई टू वाई प्लस वन वाई थ्री वाई अभी देखिए डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा माइनस साइन को माइनस साइन भी रहेगा थ्री वाई इज इक्वल्स टू ट्वेंटी वन 3 थ्री थ्री सेवन जार ट्वेंटी वन वाई इज इक्वल्स टू थ्री यहाँ पर मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ जाके डिवाइड सेवन बाई थ्री आंसर समझ में आया देखिए इक्वल टू के कौन किस तरफ जा रहा है जो एक्सचेंज हो रहा है उसी का साइन चेंज होगा जो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है उससे चेंज करना नहीं है कि जो राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है उसे चेंज करना नहीं है हमें समझ में आया थ्री एम इज इक्वल्स टू फाइव एम माइनस एट एट बाय फाइव तो 5m एम को दूसरी तरफ लेना है इक्वल टू के तो माइनस फाइव एम इज इक्वल्स टू माइनस एट फाइव जिसका साइन उसी के आगे लगा है उसी तरह वो रहेगा अभी थ्री एम माइनस फाइव एम आई आ गया माइनस टू एम इज इक्ल्स टू माइनस एट बाय फाइव दोनों तरफ होल में अगर माइनस हो तो हम लोग माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं समझ में आया अगर कैंसिल ना भी करें तो बाद में ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा तो टू एम इज इक्ल्स टू एट बाई फाइव एम इज टू इस तरफ मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा अभी अगर माइनस साइन आता तब भी माइनस माइनस प्लस ही बन जाता अगर यहाँ पे हम लोग कैंसिल ना भी करते तो अभी डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई में करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा दैट इज़ इज इक्वल्स टू फोर बाय फाइव आप लोगों का आंसर देखिए सारे नंबर्स को और एक एक बार कीजिएगा बहुत इजी नंबर्स हैं एक बार करेंगे समझ में आएगा आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक केयर